तो हम कहीं से भी बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो ये बहुत सुपर जो मैं आपको एक है वो और बात प्लान बता दूं, अब है। बुलेटो हो जाए, पैसिव इनकम हो जाए, ट्रेडिंग हो जाए, जो भी जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बी स्टोर वगैरह, पेमेंट गेटवे तो अपना एक ही है, और वो है कौन सा? बीएफआईसी। डीएफआईसी तो बुलेटो बेस्ट प्लान है कि यहां से जितना बीएफआईसी इकट्ठा कर सकते हैं कर ले। ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं आप, बीएफआईसी गोइंग टू मून सर, लाइक आप ग्रीन बीएफआईसी सिग्नल कमाए दे रहे हैं आप, ना, बुलेटो से कमाए बिल्कुल। आप। मैं कहता हूं आप, फॉर एग्जांपल आपको स्पिल ओवर नहीं आ रहे, ठीक है, तो आप डेली का जो रिवॉर्ड बन रहा है, सबसे ज्यादा डायरेक्ट का वहां से कमा लें, सबसे बड़ी टीम सही का वहां से कमा बात लें। है असलम भाई, कहीं से जाएगा तो कहीं से तो आएगा। और तमाम तमाम प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ी बात है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विथ पहली बार पैसिव इनकम, कि अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा है तो भी आप का जो प्राइमरी है वो लॉस पे नहीं जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अदरवाइज लोगों को पता है नेटवर्क इंडस्ट्री में होता है क्या है। सर शवेश भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब ये प्रोजेक्ट जो है वो उन लोगों के लिए भी ज्यादा, बल्कि मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी साबित होगा, जो लोग बेचारे जिन लोगों ने हमारे जैसे लीडर्स के कहने के ऊपर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करके 8-8 स्लॉट्स जो है ना वो बैक की थी, अब वो भी इस पे इनकम कमाएंगे और साथ ही साथ उनको जब इनकम आएगी तो वो आगे काम भी करेंगे। भाई जो लोग बेचारे वो थे ना, जिनको जो कहते थे भाई हमें तो इनकम नहीं आई, हमें स्पिल ओवर नहीं आया, अब उनको जो पैसिव इनकम आएगी वहां से उनका भी सारे मामला सीधे हो जाएंगे। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। और काम करने की एनर्जी भी बढ़ जाएगी, लोग आश्वस्त रहेंगे कि भाई अगर मैंने खुद से कर लिया तो भी गुड, नहीं तो कंपनी तो एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में हमेशा नेटवर्क इंडस्ट्री में कहा जाता था कि सिस्टम की ताकत होती है जिसके बदौलत लोग सक्सेस करते हैं, वो सिस्टम की ताकत भी यहाँ बहुत अच्छे से दिखेगी। जी बिल्कुल शवेश भाई आप सही कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले उमर भाई कह रहे थे कि तरस आ रहा है मुझे उन लोगों पे, तो वो बात मुझे भी दोबारा याद भूल आई। जाए ना आप उन 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 नहीं लोगों को, भूल जाए जिन्होंने जो किया वो अपने नहीं कर्म की खाएंगे, सुने, सिंपल सी बात यही है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप टीचिंग लाइन से हैं, हमारे बहुत सारे प्रोफेसर हजरात भी हैं तो वो जी जी जानते हैं, जिनको समझते होंगे कि हमारा सारा साल जो है वो बच्चों को सिलेबस पढ़ाते हैं, एक वो सिलेबस पढ़ाते हैं, और जब बच्चे वो सिलेबस के ऑल वो बिल्कुल नियर टू एग्जाम होते हैं, सिलेबस उसी टाइम चेंज हो जाए तो क्या सिचुएशन होती है। तो उमर भाई ने माइनिंग का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, सिलेबस ही चेंज कर दिया, तो कोई बड़ी नहीं बात है। कोई नहीं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि सिस्टम के साथ लॉयल्टी के साथ बने हुए हैं। जिन लोगों यस ने यस अपने कर्म किए हैं, तो मैंने कई बार कहा है कि लोग अपने कर्म के ही खाते हैं, तो कम से कम विचार अच्छे रखें, अपनी एक्टिविटी अच्छी रखें, रिजल्ट अच्छा ही आना है। और जिन्होंने हाँ अपने इन कर्म सर अपने और जिन्होंने अपने कर्म अपने स्वेच्छा से खराब किए हैं, उनका तो अल्लाह मालिक है, हम लोग क्या बोल जी सकते हैं। बिल्कुल शिवेश भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसके ऊपर यकीन भी है और हमने पढ़ा भी है। जितनी थोड़ी कठिन रास्ता होता है, जितना कोई कठिन जो है वो मुश्किलात होती हैं, और अल्टीमेटली उसके बाद जो है वो आसानी भी उसी तरह चमकदार होती है। तो थोड़ा हमारे लिए आजमाइश थी, इम्तिहान था, बट लग रहा है इंशाल्लाह उसका बहुत फ्रूटफुल जो है वो रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। या शवेश जी, बाकी दोस्त देखें किधर हैं, संजय जी कहाँ हैं, किंग खान साहब कहाँ हैं, उनको भी करें जी हमारे, मैं देखता हूँ खान साहब कहाँ, एक सेकेंड। बोल नहीं रहे संजय वर्मा जी। जी संजय वर्मा जी हैं, हीरा लाल जी हैं, बताएं। संजय जी कुछ कहें। मुश्ताक साहब है हमारे साथ। सर एक थैंक यू क्वेश्चन सर, था, थैंक हेलो। यू। एक एक करके आप भाई, वर्मा जी बोलिए, आप वर्मा जी बोलिए। नहीं नहीं कर ले सर, कर ले कर ले। आप बड़े यार हैं। संजय जी बोले। नहीं सर, आपको हम सुनना चाहते हैं। चलो मुझे कहना, कहने को तो बहुत सारे बातें उमर सर ने कह दिया, कहने को कुछ नहीं है। एक चीज पूछना था, जो इसमें पूल है उस पूल में एक है जीरो इनकम वालों को हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका सबको टाइम पीरियड रखेंगे, डेली डेली बेसिस पे उसको ना रखें।
अगर जो जिनको कोई इनकम नहीं आ रही है उनको प्राइस जाना है, तो उनको वो डेली मंथली बेसिस है, पे वो रखेंगे तो मंथली उसका कैसे है, होगा? वो मंथली है हाँ सर, वो मंथली है। हाँ वही बोल रहा हूँ उसका, आपने बोला नहीं इसलिए मैं बोला, एक जन से मेरी बात हुई थी, मैं बोला भाई ये मिनिमम 1 महीने का होना चाहिए, मैक्सिमम 3 महीने का वो भी हो तो कोई मंथली है, गलत नहीं एंड है। ऑफ मंथ पे जिसको कोई इनकम नहीं आई होगी, अगर उसको 30वें दिन भी आ गई है तो वो उसको नहीं मिलेगी, जिसको हाँ वही पूरे बोल रहा महीने था, इतना दिन तो कोई इनकम वेटिंग भी नहीं बनता है आ रही, ना। तो उन लोगों में डिवाइड होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल वही बोल रहा था, बाकी तो आपने बता ही दिया है और सही है, जो जितना ईमानदार है उसको उतनी मिलना चाहिए। कंपनी अगर अपनी ईमानदारी के साथ काम कर रही है तो लोगों को भी अपने उसी हिसाब से काम करना नहीं, चाहिए। मिलिंद पाटिल जी भी आ गए हैं सर, खान साहब नहीं मिल खान रहे हैं, साहब भी आ आ गए। थैंक गए। यू उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने जो हमारी कंपनी की शुरुआत जिस कॉन्सेप्ट के द्वारा और जो पहचान इनोवेशन फैक्ट्री की बनी थी वो था बिलोटो, और आज हमें मुकम्मल बिलोटो आपने तैयार करके कम्युनिटी के लिए जो तोहफा दिया है ना, उसके लिए दिल से आपका शुक्रिया अभी अदा भी करना नहीं, चाहूंगा। अभी भी नहीं भाई, अभी क्यों आप उसी मशीन को बोल रहे हैं? वो सर तो अभी सी अच्छा मशीन है, आएगी तब देखेंगे, लेकिन वो कहते तो अलग हैं ना कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है हमारा, लेकिन वहां पर हम लोगों को ये नहीं बता पाते थे कि आखिर किसी ने कुछ लगाया और वो किस तरीके से अपना प्रिंसिपल निकाल पाएगा, और इस चीज को भी इनोवेशन फैक्ट्री ने अच्छे से समझा और कम्युनिटी को एक तोहफा दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी जो दोस्तों के लिए मैं चाह रहा था, हम लोगों ने आपसे डिस्कशन की थी कि हमें 6 स्लॉट एक साथ बाई करने का ऑप्शन दे दिया जाए, वो भी आपने बात को माना सभी की, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया और दिल से धन्यवाद।